Welcome to Modern Health and Nutrition. Please subscribe our channel and press the bell icon for more update. देवेंद्र राठौर हियर, वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आज हम बात करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। देखा जाए तो अगर बहुत ही कॉमन डिसीज़ है और अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि उनको ये वाली कंडीशन है। किसी न किसी तरह का ऑब्सेशन और कंपल्शन अगर हम देखें हर किसी व्यक्ति में पाया जाता है। स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक बहुत सारे लोगों को अपने हाथ धोने की एक आदत पड़ चुकी है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम देखें कई लोग ऐसे भी हैं कि जो घर की घर में रहते हैं फिर भी वो बार बार हाथ धोते रहते हैं। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन को अगर हम टाइप्स और इसके बारे में कैटेगराइज भी करेंगे बाद में, लेकिन क्या होता है ये ऑब्सेशन, मतलब एक ही अगर हम बिहेवियर देखें, एक ही बिहेवियर को बार बार करना इज ए ऑब्सेशन। ऑब्सेशन आपने सुना होगा, आदत बन जाना। ठीक है, एक ही तरह का थॉट्स, एक ही तरह का बिहेवियर, ठीक है, वो व्यक्ति बार बार करने लग जाता है, उसे वो आदत बन जाता है। और कंपल्शन मतलब रिपीटेटेड बिहेवियर। ठीक है, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, अगर ये व्यक्ति किसी में ये वाली प्रॉब्लम किसी में पाई जाती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, तो ये लिंक्ड विद डिप्रेशन, एंजाइटी एंड अदर डिसीजेस से भी लिंक्ड रहता है। लेकिन ये फ्यूचर और पास्ट के कुछ अगर हम देखें, पास्ट से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, PTSD या ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं, उस कारण से भी ऑब्सेशन और कंपल्शन हर किसी के बॉडी के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें देखने को मिलता है। कई लोग देखा हो, कुछ सेलिब्रिटीज़ बताते हैं कि दे आर नॉट हैंडशेक टू एवरीवन। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि वो खाना खाने के बाद भी 4 या 5 बार हाथ धोते हैं ताकि उनको ऐसा लगता है कि हाथों में खाना फंसा है। कुछ लोग बहुत तरह तरह के ऑब्सेशन और कंपल्शन देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं इसके टाइप के बारे में कि टाइप किस तरह का होता है। एक अगर हम इसके सबसे पहले टाइप के बारे में अगर हम बात करें तो चेकिंग, मतलब आप देखते हैं कि ताला लगा दिया, ताला लगाने के बाद भी बार बार व्यक्ति चेक करता रहता है। नल खुला छोड़ दिया, नल खुला करने के बाद भी चेक करता रहता है। ठीक है, ये दूसरा होता है कंटामिनेशन। कंटामिनेशन मतलब बार बार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो कहीं पर भी है, उसने कहीं पर भी हाथ लगाया तो वो बार बार हाथ धोने लग जाता है और अपने पास सैनिटाइजर लगता है। स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक बहुत सारे लोगों को ये वाली कंडीशन देखने को मिली है। ठीक है, सिमेट्री और ऑर्डरिंग। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ों को ऐसा रखना, मतलब घर में कुछ चीज़ों को या कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जो चीज़ वो रखते हैं वो वहीं पर रखेंगे। ठीक है, अगर मैंने एक मतलब मान के चलो, अगर मैंने चाबी भी रखी, अगर मैंने ये चाबी है तो मेरी चाबी को अगर मैंने कहीं पर इस तरह से रखा तो वो इसी तरह से रखनी है और उसकी सिमेट्री और वो सब चीज़ें बिगड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज़ होती है। इंट्रूसिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स का बार बार आना, कई बार सुसाइडल टेंडेंसी, या फिर अगर हम बोले देवीय शक्ति, या फिर अगर हम बात करें अन जो भी इस तरह से रिलेटेबल थॉट्स होती है वो व्यक्ति के अंदर बार बार देखने को मिलती है। ठीक है, इंट्रूसिव थॉट्स नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। व्यक्ति को लगता है कि वो इन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहा है, लेकिन इसके कारण और इसके जो प्रॉब्लम के कारण अगर देखा जाए तो वो अपनी लाइफ स्टाइल को एक तरह से देख मतलब कंट्रोल कर रहा होता है और OCD के कारण वो अपनी लाइफ को प्रॉपरली इंजॉय नहीं कर पाता है। ठीक है, तो कई तरह के सिम्टम्स और कई तरह के डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये देखने को मिलते हैं। अगर इसके रिस्क फैक्टर और कॉजेज के बारे में अगर हम बात करें तो रिस्क फैक्टर्स में हम देखें तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो ये वाली जो कंडीशन है ऐसे व्यक्ति में ज़्यादा मिलती है जिसके सिबलिंग्स में सेम कंप्लेंट्स हो, पेरेंट्स में सेम कंप्लेंट्स हो, डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर मेंटल इलनेस जिनमें रहती है उसमें ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। इन एक्सपीरियंस विद द ट्रॉमा, अगर किसी को ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुआ हो तब ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। और किसी के साथ फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो तो भी ऐसे बच्चों में या फिर ऐसे व्यक्तियों में इस तरह की कंडीशन देखने को स्पेसिफाइड मिलती है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स में ये चीज़ें तब देखने को मिलती है स्पेशली ट्रॉमेटिक इवेंट्स के कारण, अगर उन्हें लगता है कि वो चीज़ कर देंगे या फिर इन्फेक्शियस डिसीज़ का कोई डर रहता है तो ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। अगर हम भी हमारी बात करें तो हम जब पेशेंट्स देखते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम भी श्योर रहना चाहते हैं कि हम किसी पेशेंट को टच करने के बाद हम वॉश करें। ठीक है, इवन समटाइम्स ये होता है कि पेशेंट हमसे दूर बैठा होता है लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत डाल देते हैं, लेकिन इसका असर हमारी लाइफ स्टाइल पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो ये एक तरह से कंट्रोलेबल बिहेवियर्स होते हैं, लेकिन कई बार ये देखा गया है ड्यूरिंग दैट टाइम और इससे पहले भी OCD के लक्षण में
मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स में ये वाली जो चीज़ें रहती हैं वो जो रहता है उसका इम्पैक्ट आपकी डेली लाइफ और डेली लिविंग पर पड़ता है, ठीक है। तो उस वाली कंडीशन में इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट के दो पार्ट होते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट के पार्ट के बारे में बात करें तो मेडिकेशनल ट्रीटमेंट और एक होता है जनरल मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि दोनों बहुत इफ़ेक्टिव होता है। मेडिकेशन के साथ आपको जनरल मैनेजमेंट आपको ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर इसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट के लिए मैं स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाऊँगा। होम्योपैथी इज़ अ वाइड रेंज ऑफ चॉइस ऑफ द मेडिकेशन, बहुत सारी मेडिकेशन है जिसके अंदर हम अलग अलग थॉट्स, अलग अलग विचार और अलग अलग टाइप्स के OCD के लिए हम अलग अलग मेडिकेशन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको OCD है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड एंड स्टार्ट द माइंडफुल ब्रीदिंग, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट है, आप स्टार्ट करें, अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें। दूसरी चीज़, अगर हम देखें तो साइकोथेरेपी, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, साइकोथेरेपीज जो होती है जिसके अंदर आपको वो पर्टिकुलर दी जाती है किसी साइकोलॉजिकल काउंसलर द्वारा, ठीक है, उसके भी बहुत अच्छे इफेक्ट होते हैं विद द मेडिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है आपका एक्सपोजर थेरेपीज, ठीक है, जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम होती है, जिस चीज़ को आपको देखना है। कई लोगों को बार बार हाथ धोने की आदत होती है तो उनको हम बोलते हैं कि आप इसको अवॉइड करें, ठीक है। तो कुछ समय के लिए अवॉइड करते हैं पेशेंट, एंड आफ्टर दैट वी कैन फाइंड दैट दे आर यूज टू दैट पर्टिकुलर बिहेवियर, ठीक है। मतलब हम किसी भी तरह के बिहेवियर को, हमारे हाथ में है कि हम किसी भी तरह के बिहेवियर को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें देखना पड़ता है। वायलेंट टाइप्स ऑफ OCDs में हमें देखने को मिलता है कि कोई सुसाइडल थॉट्स, टेंडेंसीज और कई तरह के इंट्रूसिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स रहते हैं। उस तरह के पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है और उन्हें अकेले नहीं छोड़ना देना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप बेहतर तरीके से, अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की कंप्लेंट्स लगती है तो बेशक आप तौर पर आप होम्योपैथिक मैनेजमेंट के साथ आप साइकेट्रिक से भी सलाह ले सकते हैं या साइकोलॉजिस्ट से सलाह ले सकते हैं। मैं आपको बाइंड नहीं कर रहा हूँ कि आप पर्टिकुलर किसी भी तरह का एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लें, ठीक है, क्योंकि ये डिसीज़ को जितना जल्दी हो सके ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। कुछ केमिकल इम्बैलेंस के कारण और कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स के कारण ये डिसीज़ फ्लेयर्स अप करती है और बार बार पेशेंट को इसकी प्रॉब्लम्स और इसके सिम्टम्स हमें देखने को बार बार अधिकतर तौर पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा व्यू OCD के कारण, OCD के टाइप्स और इसका क्या हम जनरल मैनेजमेंट से हम इसे किस तरह से ठीक करते हैं, ठीक है। हमारे पैनल में काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट हैं स्पेसिफिक, अगर आप उनसे सलाह लेना चाहते हैं या कंसल्ट करना चाहते हैं तो बेशक आप उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज़रूर काउंसलिंग दी जाएगी उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कंसल्टेशन टाइम या अपॉइंटमेंट बुक करके आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा व्यू ऑन OCD। होप सो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो हेल्थ एक्सपर्ट और साइकेट्रिस्ट, और अगर हम इन फ्यूचर इस तरह के वीडियोज़ और लाएँ तो आपको उनकी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज, और जय हिंद।